हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विंडो इवेंट्स के बारे में, जिनको हम डॉक्यूमेंट इवेंट्स भी बोलते हैं। अब तक आपने जितने भी इवेंट स्टडी किए, वो आपने एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर यूज किए थे। अब हम देखेंगे कि एक ब्राउजर विंडो के ऊपर हम कैसे कोई इवेंट यूज कर सकते हैं। मेनली 5 तरह के विंडो इवेंट्स हम स्टडी करेंगे: रीसाइज, स्क्रॉल, लोड, अनलोड एंड रेडी। ये पांचों इवेंट्स हम एक एग्जांपल लेके अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोड और अनलोड है, ये पुराने इवेंट्स हैं। जेक्वेरी वर्जन 3 से ये रिमूव कर दिए गए थे। उसके बाद ये नए वर्जन्स में आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए हम इनको थोड़ा बहुत जानेंगे, ताकि अगर बाय चांस आप अपना पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप समझ पाओ कि इनका यूज़ कैसे होता था। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले इवेंट के साथ, दैट इज रीसाइज इवेंट। द रीसाइज इवेंट अकर्स व्हेन द ब्राउजर विंडो चेंजेस साइज। जब भी आप अपने ब्राउजर की विंडो को चेंज करते हैं, मतलब उसकी विड्थ चेंज करते हैं, तब ये इवेंट ट्रिगर होता है। कैसे ट्रिगर होता है ये समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ली है। इसकी बॉडी देख लेते हैं। इसकी बॉडी में मैंने पहले एक डिव क्रिएट किया, जिसके अंदर मैंने एक स्पैन लगाया और एक नंबर लिखा। अब जब भी आप इसकी विड्थ चेंज करेंगे, ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो चलिए इसका कोड देख लेते हैं। मैं अपना कोड स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर लिखूंगी, और जैसे कि आपको पता है, स्टार्ट करेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के साथ। अब जैसे कि ये इवेंट हम विंडो के ऊपर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कीवर्ड हम विंडो यूज करेंगे, डॉट रीसाइज। रीसाइज करने पे हम चाहते हैं जो हमारी स्पैन के अंदर वैल्यू लिखी है वो इंक्रीज कर जाए। तो स्पैन डॉट टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के लिए आपको कोई वैल्यू इनिशियली असाइन करनी पड़ेगी। फिर x इज इक्वल टू 0, टेक्स्ट के अंदर आप वैल्यू को इंक्रीज करेंगे बाय 1। ये टेक्स्ट भी एक तरह का इवेंट है जो हम यूज करते हैं हमारे HTML को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ताकि ये वैल्यू इंक्रीज कर सकूँ। तो इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसकी विड्थ इंक्रीज कर रही हूँ ब्राउजर की, ये नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं, लेकिन इस टाइम हम एक बटन का यूज करेंगे और इवेंट को ट्रिगर करेंगे। तो यहाँ पे बटन को क्लिक करने पे मेरा फंक्शन ओपन होगा। इसको सेव कर लेते हैं हम और चलिए रन करके देखते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं बटन को क्लिक कर रही हूं, मेरी यहां पे जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप बटन को क्लिक करके इवेंट को ट्रिगर कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये टेक्स्ट का फंक्शन, रीसाइज का फंक्शन मैंने यहाँ पे क्यों नहीं डिफाइन किया। अगर आप फंक्शन को रीसाइज के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो आपका ये कोड रन नहीं होगा। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक एलिमेंट के ऊपर आप रीसाइज फंक्शन लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बटन यूज किया है, उसके लिए फंक्शन आपको पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल थी रीसाइज की। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। इस एग्जाम्पल में जैसे ही हम अपनी विंडो को रीसाइज करेंगे तो एक पैराग्राफ डिस्प्ले होगा। तो चलिए पहले बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। और इसको एक आईडी दे देते हैं, जैसे मैंने P1 दे दी।
और इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं। यहाँ पे मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन रखूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रीसाइज करने के बाद ये डिस्प्ले इसका इनलाइन में आए। इसको कमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आईडी यूज करेंगे P1। डिस्प्ले इसका इनलाइन कर देते हैं। अब मैंने इसको सेव कर लिया। चलिए इसको रन करके देखते हैं। आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने साइज इसका चेंज किया, विड्थ बढ़ाई या फिर कम की, ये पैराग्राफ मेरा शो होने लगा। यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, एक इफेक्ट है जो हम आगे स्टडी करेंगे, डॉट फेड आउट। तो एक बार फिर से विंडो को रीसाइज करते हैं। आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने रीसाइज किया वो पैराग्राफ शो हुआ और उसके बाद फेड हो गया। फिर से अगर रीसाइज करूं तो फिर से शो हुआ और हाइड हो गया। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट के बारे में, दैट इज क्रॉल इवेंट। द स्क्रॉल इवेंट अकर्स व्हेन द यूजर स्क्रॉल्स इन द स्पेसिफाइड एलिमेंट। जब भी हम विंडो को स्क्रॉल डाउन करते हैं या फिर किसी भी डिव एलिमेंट को स्क्रॉल डाउन करें, तब हम ये स्क्रॉल इवेंट ट्रिगर कर सकते हैं। चलिए इसकी बॉडी देखते हैं। पहले बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे एक डिव क्रिएट किया है और एक पैराग्राफ। डिव की स्टाइलिंग मैंने की और उसके अंदर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को स्क्रॉल पे सेट कर दिया। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ भी क्रिएट किया है बॉडी के अंदर। जहाँ पे जब भी आप स्क्रॉल इवेंट ट्रिगर करोगे, ये स्पैन के अंदर जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। तो चलिए इसका कोड लिख के देखते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर पहले मैं अपनी डॉक्यूमेंट ओपन करूंगी। स्क्रॉल इवेंट हम विंडो के ऊपर लगा के देखेंगे पहले। और स्पैन के अंदर डॉट टेक्स प्रॉपर्टी लगा के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे बाय 1। लेकिन उससे पहले असाइन कर देते हैं एक्स की वैल्यू 0। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे ही मैंने विंडो को स्क्रॉल किया तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। यही स्क्रॉल इवेंट आप अब डिव के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने विंडो को स्क्रॉल डाउन किया, आप देख रहे हैं वैल्यू मेरी इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन अगर डिव की करें तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये था स्क्रॉल इवेंट। हमने देखा था कि रेडी भी एक इवेंट है विंडोज इवेंट के अंदर। रेडी आपको पता है, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, ये हमारी HTML फाइल को लोड करने के लिए होता है। मतलब जो आपने HTML के अंदर जो भी अपने पैराग्राफ्स वगैरह डिस्क्राइब किए हैं उसको पहले लोड करेगा, उसके बाद jQuery आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो ये था रेडी इवेंट। अब अगर बात करें विंडोज डॉट लोड इवेंट की, तो उसका काम भी यही है जो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करता है। इसीलिए जो लोड इवेंट है उसको हमारे नए वर्जन से हटा दिया गया है, क्योंकि रेडी और लोड दोनों का काम सेम है। रही बात अनलोड की, अनलोड इवेंट तब वर्क करता है
जब हम अपनी कोई भी विंडो क्लोज करते हैं, जब भी आप अपनी कोई विंडो क्लोज करने लगेंगे तो ये अनलोड इवेंट ट्रिगर होता है। ये इवेंट अब वर्क नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास जेक्वेरी का वर्जन 3.4 है और अब के वर्जन्स में ये अवेलेबल नहीं है। तो मेन इवेंट्स हमने रीसाइज और स्क्रॉल किए आज की वीडियो में। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।